नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस भौतिक विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की, और इस श्रृंखला का यह दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट अगर आपने मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चूँकि ये एक डिटेल वीडियो है जिसमें हम प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत आने वाली जानकारी को विस्तृत रूप से समझाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर किस बल के कारण लगाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? तो जैसा कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, इसी तरह से एक उपग्रह पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो ऐसा वह किस कारण से कर पाता है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो है अभिकेंद्री बल का होना। अभिकेंद्री बल के कारण ही वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब अभिकेंद्री बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, वृत्तीय मार्ग। तो जब कोई वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करता हुआ पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है, तो इस बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वृत्ति गति, और चूंकि कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है तो वो वृत्तीय पथ पे ही चलता है। तो वृत्तीय पथ पर जब गति करता है और उसका जो दिशा होती है वो सदैव केंद्र की ओर होती है, तो ऐसा बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल होता है। और वृत्ति गति करने के लिए अभिकेंद्री बल का होना अति आवश्यक है। यदि वह वृत्ति गति कर रहा है तो वहाँ पर अभिकेंद्री बल लगेगा। अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है, दोनों क्वेश्चनों का एक निचोड़ यहाँ पर यह है कि जब एक भूपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं, क्वेश्चन को फिर से समझिए। जब एक भूपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है तो यह अभिकेंद्री बल के प्रभाव से होता है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि जो अभिकेंद्री बल लग रहा है यह कैसे प्राप्त होता है? तो जो अभिकेंद्री बल लग रहा है वो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। तीनों क्वेश्चन आपस में रिलेट करते हैं। रिलेट क्या करते हैं कि जो चक्कर लगाता है वो डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर, और चूंकि वो वृत्ति गति कर रहा है तो वृत्ति गति करने के लिए अभिकेंद्री बल होना जरूरी है, और अभिकेंद्री बल के लिए जो बल प्राप्त होता है उसके लिए भी जो बल प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से। और गुरुत्वाकर्षण बल यदि पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी से अभिकेंद्री बल कार्य करता है। और जब यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे भी वहाँ पर अभिकेंद्री बल होता है, क्योंकि अगर जहाँ पर वृत्ति गति हो रही है वहाँ पर अभिकेंद्री बल कार्य जरूर करेगा। तो तीनों क्वेश्चन आपस में रिलेट करते हैं। आशा है कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था अभिकेंद्री बल, तो ऐसे ही एक बल होता है अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल के कारण वॉशिंग मशीन जो है वो कार्य करती है। इसमें क्या होता है, जो अपकेंद्री बल होता है उसमें जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्ति मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल अनुभव होता है, इसी बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। इसका हम जो सिंपल सा एग्जांपल है वो ये है कि जब हम गाड़ी से किसी मोड़ पर मुड़ते हैं तो हम जिस दिशा में मुड़ते हैं तो हमें एक आभासी बल उसके विपरीत दिखाई देता है। यदि हम दाहिनी ओर मुड़ते हैं तो हमको बल बाईं ओर महसूस होता है, और अगर हम बाईं ओर मुड़ते हैं तो हमको दाहिनी ओर महसूस होता है। तो ये होता है अपकेंद्री बल के कारण। और इसी बल के कारण जब वॉशिंग मशीन में कोई भी कपड़ा घूमता है तो उसमें केंद्र की ओर एक बल लगता है, और ये अपोजिट में उसके एक बल कार्य करता है जिसको अपकेंद्री बल कहते हैं, जिसके कारण उसके अंदर जो गंदगी होती है उसको ये बाहर फेंकता है। तो इसी बल के कारण वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए, तो यहाँ पर बात हो रही प्रथम नियम की। तो प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है।
इसमें क्या होता है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था या विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से कौन सी परिभाषा मिलती है? तो द्वितीय नियम जो है वो बल की परिभाषा को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जानकारी देते हैं कि क्योंकि तीन नियम दिए थे उन्होंने, तो जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है कि यदि हम किसी पर कोई क्रिया करते हैं, कोई बल लगाते हैं, तो वापस में भी हमको प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल का आभास होता है या बल हमको समझ में आता है। तो वो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जितना हम बल लगाएंगे उसके अपोच में भी हमको बल वापस मिलता है। जैसे यदि हम दीवार पे कोई फोर्स करते हैं, अपने हाथ से ही फोर्स करते हैं, तो उसका हमें अपोजिट में एक बल आभास होता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको हम कैपिटल जी कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? बात यहाँ पर आती है कि उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्यों कहा जाता है। जैसा कि अभी बताया गया है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला एक आकर्षण बल होता है जिनकी जो दिशा होती है वो पिंड के गुरुत्वीय केंद्र की ओर होती है। तो अब बात करते हैं इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी पिंड या किसी भी कण में यह कार्य करता है, यह हर जगह मौजूद होता है पूरे ब्रह्मांड में। इस वजह से इसको सार्वत्रिक, सर्वत्र उपस्थित होने के कारण इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का जो कारण है वो है वहाँ का पलायन वेग, क्योंकि वहाँ पर जो गैस के अणु हैं उनका जो वेग है वो पलायन वेग से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत ही कम होती है, तो इस वजह से वहाँ जो पलायन वेग है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और वहाँ पर जो गैस के अणु हैं उनकी गति पलायन वेग से अधिक होती, इस वजह से वो वहाँ पर रुक नहीं पाते हैं और वो अपनी जो कक्षा है उसको पार करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर कोई भी गैस के जो अणु हैं वो रुक नहीं पाते और वहाँ पर वायुमंडल नहीं बन पाते, क्योंकि वायुमंडल जो है वो गैस, धूल और धुएँ के कणों को मिला करके ही वायुमंडल बनता है, लेकिन उनका जो पलायन वेग है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से वो वहाँ की कक्षा को पार कर जाते हैं और वो वहाँ पर रुक नहीं पाते हैं, इस वजह से वहाँ पर वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? यहाँ पर बात हो रही है ग्रहों की गति के नियम की, तो ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादन किया वो कैपलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? कोई वस्तु है वो जड़त्व में है, ये किस बात पर निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान पर अधिक निर्भर करता है। जड़त्व क्या होता है, ये किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसमें वह अपने ऊपर जो अवस्था परिवर्तन होती है उसका विरोध करता है। मतलब यदि हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो तब तक उस चीज़ को बनाए रखती है जहाँ तक उसकी लिमिट होती है, तो उस लिमिट को ही जड़त्व कहते हैं, जब तक वो अपनी अवस्था में परिवर्तन ना करे इसको ही जड़त्व कहते हैं। अब बात करेंगे, जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही उसका जड़त्व भी अधिक होगा। यदि उसका द्रव्यमान कम होगा तो वह जो है कम जड़त्व में रहेगी, इट मीन्स उस पर कम बल लगाकर भी उसका अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर उसका द्रव्यमान अधिक होगा तो वहाँ पर हम उसको ज़्यादा फोर्स लगा करके ही उसका अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होती है। जो सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनमें जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसके द्वारा सूर्य से हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा क्या होता है, जिस कारण से किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है उस कारण को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? इट मीन्स यहाँ पर रूपांतरण पूछा जा रहा है, तो जो विद्युत सेल होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि किस चीज़ को किस चीज़ में परिवर्तन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराते हैं तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो भार जो है वो अपरिवर्तित रहता है, चूँकि भार जो है वो जी पर निर्भर करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर निर्भर करता है, और चूंकि उसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है तो वहाँ पर जो जी काम करेगा वो एक नियत काम करेगा, जो जी का मान होगा वो बराबर ही रहेगा, इस वजह से उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम उसको ऊपर से गिराएंगे तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, भार अपरिवर्तित ही रहेगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड या किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ पर होता है। जैसा कि हम पृथ्वी के विषुवत रेखा हो, भूमध्य रेखा हो या फिर ध्रुव हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया किस कहाँ पर वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। तो वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर जी के मान में वृद्धि होती है, और अभी हमने बताया था कि जो भार होता है वो जी पर निर्भर होता है। तो भार जब जी पर निर्भर होता है तो जी की वृद्धि से ही भार में भी वृद्धि होती है। तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है तो वहाँ पर वस्तु का भार भी सबसे अधिक होता है। बात करेंगे सबसे कम कहाँ पर होता है, तो सबसे कम जो है विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर सबसे कम भार होता है क्योंकि वहाँ पर जी का मान सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा जो एक फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², v यहाँ पर है वेग। तो वेग जो है वो स्क्वायर में हो रहा है, इट मीन्स उसका जो मल्टीपल होगा वो 2 times होगा, तो जितने गुना बढ़ा दिया जाएगा उसके स्क्वायर में उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर उसको 3 गुना बढ़ाया गया है तो गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम वेग को 2 गुना बढ़ाएंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अगर हम वेग को 4 गुना बढ़ा देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगी। इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², मास इंटू वेग का स्क्वायर। तो वेग जितना बढ़ेगा उसके स्क्वायर में ही गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संवेग क्या होता है, संवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यहाँ पर ना कोई स्क्वायर है ना ही कोई रूट है, तो जब वेग को बढ़ाएंगे तो संवेग पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना हमने वेग को बढ़ाया है। तो अगर हम वेग को 2 गुना कर देंगे तो संवेग पर कितना प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना ही होगा, क्योंकि जो संवेग होता है वो वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही होता है, वहाँ पर और दूसरा कुछ काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। तो पलायन वेग जो है पृथ्वी के लिए वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतना या इससे अधिक वेग हम अगर किसी रॉकेट को दे देंगे तो वो हमारे पृथ्वी की कक्षाओं को पार करके बाहर चला जाएगा। तो पलायन वेग जो है कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इससे कम में वो पृथ्वी को पार नहीं करेगा। इससे इतना या इससे अधिक जो भी वेग होगा उसमें ये इसको पार कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संवेग संरक्षण जो संवेग संरक्षण है या यूं कहें संवेग है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको जो है बदला जा सकता है। ये क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो क्या परिणाम होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो क्या परिणाम होगा, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि भार पर जी का प्रभाव पड़ता है। यदि जी खत्म हो जाएगा तो भार भी खत्म हो जाएगा। तो यदि जी का मान शून्य हो जाएगा तो भार भी शून्य हो जाएगा, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है वो वही रहेगा। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जितनी पदार्थ की मात्रा है उसको ही हम उसका द्रव्यमान कहते हैं, तो वो वही रहेगा, लेकिन जो भार है वो शून्य हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो उत्तोलक जो है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परता, मतलब एक एक्सिस पर जब हम घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको ही क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो यदि हम बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष पर घुमा सकते हैं
तो वो क्या होता है, किसके कारण होता है, बल आघूर्ण के कारण ही होता है। तो जो उत्तोलक होते हैं वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा जो है वो प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों का एक संयोजन है, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो है तीसरी, जो कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का और तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं। जो चिमटा है वो प्रथम और द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों का संयोजन है, लेकिन इसको हम तृतीय प्रकार के उत्तोलक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो उसको कब अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट ऊपर जाती है उस समय जो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति होगा उसको अपना जो भार है वो कैसा मालूम होगा, अधिक मालूम होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।